Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. Today's our topic is sound. Sound 9th class का एक important topic है. देखिए आप 9th class में जो sound का concept पढ़ेंगे वो completely आपको आगे चल के 11th class में wave का जो concept है उसको match करेगा. तो आज हम जो sound पढ़ेंगे उस sound का जितना basic fundamental है वो आपको आगे काम आएगा. और जैसा मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि आगे इन फ्यूचर यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर होना है तो यही आपका बेस है. ओके, नाउ वी स्टार्ट साउंड. नाउ आवर टॉपिक इज साउंड. साउंड, देखिए साउंड तो आप हर किसी को पता है. मैं जो बात कर रहा हूं उसको आप सुन पा रहे हो, ये साउंड है. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में साउंड का जो हम फिजिक्स में जो डेफिनेशन देखेंगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग साउंड हम किस चीज़ को बोलेंगे, तो देखिए एक्चुअल में साउंड होता क्या है. हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, मैंने आपको कई वीडियो में आपके साथ ही डिस्कस किया होगा कि एक्चुअल में हमारी पूरी गैलेक्सी, हमारा पूरा जो यूनिवर्स है वो क्या है, फॉर्म ऑफ द एनर्जी है. वो एनर्जी का एक फॉर्म है. हियर साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स हम साउंड को क्या कह सकते हैं, यह एक तरह का एनर्जी है, फॉर्म ऑफ द एनर्जी. क्लियर, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. यदि हम इसका सिस्टमेटिक डेफिनेशन करना चाहें, डेफिनेशन ऑफ द साउंड, तो क्या कहेंगे, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. और किस टाइप की एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी है. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. विच प्रोड्यूसेस बाई विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ये आप कह सकते हैं साउंड इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. यहां पर इस बात को आप ध्यान देंगे कि यह एक मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. दैट मीन्स साउंड एक तरह का एनर्जी है और इस एनर्जी के द्वारा हम क्या करते हैं, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ये जो हम सुन पा रहे हैं ये पॉसिबल हो पाता है, ये संभव हो पाता है. क्लियर, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ साउंड. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. नाउ वी डिस्कस सोर्स ऑफ साउंड, दैट मीन्स कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड आप इमेजिन करिए कि हम कहाँ कहाँ पर साउंड का प्रोडक्शन देखते हैं. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साउंड है. यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मेटल सीट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अपन टक्कर कर दें, कोलिजन कर दें, हम किसी चीज़ से उसको मारें, तो कहीं पर भी हम फोर्स अप्लाई करें तो आप वहाँ पर साउंड का प्रोडक्शन आपने देखा होगा. दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड का रीज़न क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड, इसको हम कह सकते हैं साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसा कह सकते हैं. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है बाई अप्लाइंग फोर्स. तो कैसे प्रोड्यूस होता होगा वो, सपोज आप इमेजिन करिए कि मेरे पास एक मेटल सीट है और इस मेटल सीट पर मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया. सपोज मैंने किसी चीज़ से इसको हिट किया, फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं. इस तरह से वाइब्रेट होने लगते हैं
और एक दूसरे से टकराते हैं, और इसी कोलिजन के कारण, दैट मीन्स वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल के कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई। व्हाट इज साउंड? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ द साउंड इज, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो ये साउंड का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। बेसिकली वी नो दैट साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको कोई सिंगल वर्ड में पूछे व्हाट इज द साउंड, आप उसको आप सीधा आंसर दे सकते हैं साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? विच इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। देखिए, जब हम साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं तो हम उसको प्रोपोगेट करते हैं। प्रोपोगेट करते हैं मतलब ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उसको भेजते हैं। जैसे मेरी बात आप सुन पा रहे हैं, तो कैसे होता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड? साउंड प्रोपोगेट कैसे होता है, साउंड को हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह अपन कैसे भेजते हैं? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, साउंड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड नीड मीडियम। साउंड को क्या होता है, इट नीड्स मीडियम। मतलब विदाउट मीडियम वी कांट इमेजिन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। हम बिना मीडियम के साउंड का प्रोपोगेशन इमेजिन नहीं कर सकते। इसीलिए जहां मीडियम नहीं है वहां पर साउंड क्या होता है, हमको सुनाई नहीं देता। लाइक मून, मून में कोई मीडियम नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मून में आपके सामने बम ब्लास्ट भी हो जाए तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे। लेकिन हम अर्थ में आप साउंड को सुन पाते हैं, क्योंकि साउंड क्या है, अर्थ में क्या है, मीडियम है। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउंड प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए, अपने को मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के हम साउंड प्रोपोगेशन नहीं कर सकते। और साउंड प्रोपोगेशन के लिए अपने पास टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ वेव्स। साउंड प्रोपोगेशन का जो सिस्टम है वो वेव होता है। तो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेव अपन पढ़ा रहे हैं आपको। सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर टाइप्स ऑफ वेव, आर वेव प्रोपोगेशन। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल। पहले अपन ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ लेते हैं। देखिए, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ये एक हमने एक एक्सिस लिया वेव के फॉर्म में, किस तरह से होता है देखिए, और ये वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव्स है। मतलब ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, ये क्या है, वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है। ये जो मैंने एरो लगाया, ये वेव के ट्रांसमिट होने का डायरेक्शन है। और ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं, ये है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। ये है पार्टिकल का डायरेक्शन, ये पार्टिकल का डायरेक्शन है। इस तरह से वेव क्या हो रहा है, आगे प्रोपोगेट हो रहा है। ये जो पार्टिकल अभी यहां है वो फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा। इस तरह से वेव का प्रोपोगेशन होता है। दैट मीन्स ट्रांसवर्स वेव में आप क्या देख रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पर देखिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। तो ट्रांसवर्स वेव्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यदि वेव के ट्रांसमिट होने का डायरेक्शन इस तरह से मैं यहां पर बताऊं आपको, तो सपोज ये मेरा रेड मार्कर, ये वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, और ये ब्लू मार्कर जो मैंने लगाया है वो क्या है, पार्टिकल्स के अप एंड डाउन होने का डायरेक्शन है। और दोनों के बीच में देखिए कितना है, 90 डिग्री के एंगल है। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन दैट टाइप्स ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर देखो, ये जो नीचे दबा हुआ पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ट्रफ, ये ट्रफ कहलाता है। और ये ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, जो ऊपर उठा हुआ है
उसको बोलते हैं क्रेस्ट। ये क्रेस्ट कहलाता है, क्लियर। ये जो नीचे की ओर आता है उसको ट्रफ बोला जाता है, और जो ऊपर जाता है इस तरह से उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ये क्रेस्ट कहलाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। इसके बाद इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, वो मैं आपको सेकंड टाइम का वेव बता लूँ, फिर एक साथ दोनों में डिस्कस करूंगा। नाउ सेकंड वेव प्रोपोगेशन इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इस तरह से आप यहां पर जो मैं डिजाइन बना रहा हूं आप देख रहे होंगे कि कुछ लाइन बहुत एक दूसरे के पास हैं, करीब हैं, और कुछ क्या है, दूर दूर है। इस तरह का सिचुएशन आप यहां पर देखिए, तो ये जो मैंने वेव बनाया है जैसे आप बार कोड वगैरह देखते होंगे उस तरह का, तो यहां पर देखिए वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन वही है, और दिस इज द आल्सो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल्स के भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां पर हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर सेम। आप यहां पर देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां पर आपको मैंने क्या बताया, दोनों के डायरेक्शन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन यहां पर दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इस तरह के वेव को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि जब मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो अब जब ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव पर मैं वेव के चैप्टर पर बात करता हूँ, तो मैक्सिमम लोग को इस कॉन्सेप्ट पता नहीं होता या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, दोनों में डिफरेंस पता नहीं होता। इसीलिए कभी भी मैं 9th या 10th क्लास का जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लिमिटेड चैप्टर है, बहुत कम टॉपिक है, लेकिन मेरा बहुत लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत इस बात को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है कि यदि आपको 9th और 10th का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 11th 12th में प्रॉब्लम महसूस करेंगे। यही वजह है कि हम IIT JEE नीट जैसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बाद में दिक्कत महसूस करते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने दिनों में पढ़ाया, एक चीज़ मैं 100% इस बात को समझ चुका हूँ आज कि यदि आपको कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करना है तो उसको फ्रॉम वेरी बिगनिंग आप बहुत पहले से उसको तैयार करिए। 9th क्लास आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, जहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट, नॉट ओनली फिजिक्स बट केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आल्सो, सभी सब्जेक्ट में आपको बेस क्लियर करना है। इसीलिए जब मैं 9th क्लास का क्लास लेता हूँ फिजिक्स का, तो मेरी पूरी कोशिश होती है, एक तो बहुत कम सिलेबस होता है आपका, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कॉन्सेप्ट को डीपली आपसे डिस्कस कर सकूँ। तो आप उसी तरह से उसको ध्यान देंगे तो हो पाएगा वो, अदरवाइज इतने छोटे टॉपिक पर इतना लंबा डिस्कशन का कोई मैटर नहीं है। आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो कंपेरेटिवली आप उसको समझिए कि ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव्स में ये आपने देखा और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये देखा। फिर यहाँ पर आपको मैं बताया कि यहाँ पर जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे दबे हुए को ट्रफ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, देखिए जो यहाँ दूर दूर आप लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये कहलाता है रेयर फ्रैक्शन। ये रेयर फ्रैक्शन है, मतलब दूर दूर है, और ये जो पास पास आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जहां पर लाइंस क्या बहुत पास पास हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, क्लियर। जैसे यहां पर क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, उसी तरह से यहां पर रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन होता है, क्लियर। अब कुछ हम टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेव लेंथ। ये आप बहुत ध्यान से समझिए कि ये टर्मिनोलॉजी क्या है, वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है ये आपको समझना है। वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, ये ग्रीक अल्फाबेट है और इसको हम क्या बोलते हैं, लेमडा। तो वेव लेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेव लेंथ होता क्या है, वेव लेंथ का डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट।
ये एक क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट आर टू ट्रफ ऑल्सो, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, मतलब दो क्रेस्ट या टू ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और यहां पर उसको हम क्या कहेंगे, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफैक्शन आर टू कंप्रेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफैक्शन आर डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो ये वेव लेंथ कहलाता है। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम ग्रीक अल्फाबेट के न्यू, इसको पढ़ते हैं पर न्यू, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कई राइटर लोग इसको एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आर फ्रीक्वेंसी होता है। कई लोग इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होंगे। सबसे ज्यादा हम कॉमनली हम इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, क्लियर। बाकी अलग अलग जगह में उसको इस तरह से। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई भी पार्टिकल जितने बार ऑक्सीलेट कर लेता है, दैट मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड। मतलब थर्ड हमारी टर्मिनोलॉजी का है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी इक्वल टू वन अपॉन न्यू, दोनों रिलेशन एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी और टी इक्वल टू वन अपॉन न्यू। तो दोनों का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में चाहे वन सेकंड हो, चाहे वन मिनट हो, चाहे वन आवर हो, यूनिट टाइम और वन सेकंड भी कह सकते हैं अपन। तो कोई भी पार्टिकल वन सेकंड में जितने बार ऑक्सीलेट करेगा, क्लियर। जैसे आप इस तरह का मैं आपको वेव का एग्जांपल दूं, तो सपोज आप एक स्ट्रिंग को एक रस्सी से आप किसी रिजिड सरफेस से बांध दीजिए और दूसरे तरफ को पकड़िए, आपने खेल खेल में ऐसा भी किया होगा, और उसको इस तरह से हिलाएं तो इस तरह से वाइब्रेशन होता है। तो वन सेकंड में जितने टाइम्स वाइब्रेट होगा वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है, क्लियर। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन इज वन वाइब्रेशन आर वन ऑक्सीलेशन, एक बार ऑक्सीलेट करने में जितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। डेफिनेशन को आप ध्यान समझिए, टाइम टेकन इन वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो थ्री इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो वेव में जनरली यूज होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट इज वेव लेंथ, मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट आर टू ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन पर यूनिट टाइम, एंड टाइम पीरियड इज टाइम टेकन इन वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसमें जो रिलेशन है उसका बहुत यूज होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह इसे बनते हैं आपके। देखिए तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन v nu and lambda, where v is speed of sound। तो तीनों हम एक रिलेशन देखते हैं। देखिए अपने को पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इंप्लाइज स्पीड इज v दैट इक्वल डिस्टेंस। हियर लेमडा इज डिस्टेंस, क्योंकि वेव लेंथ जो होता है वो वेव के बीच का लेंथ होता है, तो ये लेमडा हो जाएगा अपॉन टाइम पीरियड इज टी, दैट इंप्लाइज टी को इधर हम ट्रांसफर कर दें, या वी इक्वल टू देखिए लेमडा इन टू ये वन अपॉन टी है, दैट इंप्लाइज वी इक्वल टू वन अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं अपन, न्यू, वहाँ से तो हो जाएगा न्यू इन टू लेमडा। इस तरीके से वी इक्वल टू न्यू इन टू लेमडा होता है, आर वी इक्वल टू लेमडा अपॉन टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये हमारा है साउंड प्रोपेगेशन का तरीका। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि साउंड जब ट्रेवल होता है तो साउंड में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। देखिए साउंड में कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं इसके आगे, ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना है, बाकी थियोरेटिकल पोर्शन है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड,
जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, क्लियर। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बता दूं, वो है रिलेटेड टू स्पीड ऑफ साउंड। दैट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। साउंड का जो स्पीड होता है वो किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होता है, ये हमको देखना है कि स्पीड ऑफ द साउंड। फर्स्ट इज डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। जैसे साउंड ट्रेवल करने का जो स्पीड है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, मतलब इसका जो स्पीड है वो न्यू और लेमडा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दो फैक्टर तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। तो साउंड का फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वेवलेंथ भी यदि ज़्यादा हो तो ज़्यादा होगा, क्लियर। और साउंड वेव का जो टाइप होता है, साउंड वेव एक्चुअल में क्या है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि द नेचर ऑफ साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल नॉट ट्रांसवर्स। साउंड वेव का जो प्रोपोगेशन का तरीका है, प्रोपोगेशन का, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी पर किस तरह से इफेक्ट होता है, इफ द मीडियम ऑफ द डेंसिटी इज हाई देन वेलोसिटी ऑफ द साउंड विल बी ऑल्सो हाई। दैट मीन्स इस डेंसिटी, हाई डेंसिटी के क्या होता है, यदि डेंसिटी ज़्यादा हो, मीडियम का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में लाइट का, सॉरी साउंड का वेलोसिटी भी ज़्यादा होता है, क्लियर। देन फर्स्ट फैक्ट इज इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज हाई देन इट्स वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ऑल्सो हाई। नाउ सेकेंड इज टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वी विल बी आल्सो इंक्रीजेस, ये आप ध्यान रखना। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो इसका स्पीड भी इंक्रीज होता है, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस तरह से वह डेंसिटी के, यहाँ पर मैं मैथमेटिकली लिख दूँ तो आप ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। नाउ सेकंड इज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। दिस इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। एंड नाउ थर्ड इज मीडियम, कि साउंड ट्रेवल हो रहा है उसका मीडियम क्या है। तो वी हैव एक्चुअली वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ मीडियम, नाम बता दूं कम से कम आपको, लेकिन इस क्लास में आपको थ्री मीडियम को समझना है जो आप बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये थ्री मीडियम तो आप जानते हैं, लेकिन हायर क्लास में आप आगे चल के पढ़ेंगे तो अभी से मैं आपको बता दूं, एक्चुअली अब लेटेस्ट आज के डेट में हमारे पास फाइव मीडियम होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो नाम कम से कम आप याद रखिए कि मटेरियल के फाइव मीडियम होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको मतलब थ्री मीडियम से है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड का जो, सॉरी मटेरियल का, मीडियम का जो नेचर, उस पर भी डिपेंड करता है, ये आप ध्यान रखना। सॉलिड मीडियम में लाइट का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और सबसे कम होता है गैस में। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड आफ्टर दैट लिक्विड एंड देन गैस। सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड, फिर गैस में। इसीलिए आप देखे होंगे, जैसे आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज आप किसी रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और किसी ट्रैक पर ट्रेन यदि आ रही हो और आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही हो, लेकिन यदि आप जाके जिस ट्रैक पर आ रही है उस पर आप कान लगा के पटरी में सुनो, तो आपको कान के से, वो ट्रैक से आपको
साउंड सुनाई दे देगा, पता चल जाएगा, जबकि आपको एयर में सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या है, आयरन का बना हुआ है ट्रैक, वो सॉलिड है, और हम क्या है गैस में, एयर में हम उसके स्पीड को, तो ध्यान रखना सॉलिड में इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। फर्स्ट इज डेंसिटी, डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ थर्ड इज सॉलिड मीडियम में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में कम होता है। क्लियर, ये होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिसको आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको अपने इस फैक्ट्स को सब प्रिपेयर करना है। क्लियर, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए हम मिरर में अपना इमेज देख पाते हैं, उसी तरह से साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो मैं खुद सुन पा रहा हूँ कि नहीं, मैं खुद भी सुन रहा हूँ। तो कैसे सुन पा रहा हूँगा, कि मैं जो साउंड अपने माउथ से जो साउंड मैं इमिट कर रहा हूँ, वो इस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उसमें जाके वो क्या करता है, टकराता है। टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर अगेन मेरे ईयर तक पहुंचता है, और ऐसा मैं उसको सुन पाता हूँ। क्लियर, तो रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड का मतलब होता है आफ्टर ट्रांसमिशन एनी ऑब्स्टेकल रिफ्लेक्ट साउंड, उसको क्या करता है, वापस करता है। इसी कारण हम साउंड को सुन पाते हैं। यदि रिफ्लेक्शन ना हो तो हम साउंड को नहीं सुन पाएंगे। और इस रिफ्लेक्शन के थ्रू कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है इको। इको होना आपने सुना होगा। सेकंड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन एंड इको, ये दो तरह के इवेंट हैं रिफ्लेक्शन में। इसमें बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे। इको का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कोई एबंडन एक खाली मकान है, और वहाँ पर क्या है कोई ऐसा डोम जैसा शेप है, या अपन वेल में चले जाएँ, कुएं में चले जाएँ, और जब हम साउंड निकालते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, तो जैसे ही आप साउंड निकालते हैं इमीडिएट आपको उसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपका साउंड आपको दोबारा सुनाई देता है, दैट मीन्स इको होना होता है। इस तरह से साउंड का इको होना है, फिर बार 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 वही आपको सुनाई देता है। रिवर्बरेशन में क्या होता है, अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्शन होता है। जैसे सपोज इस रूम में मैं बात कर रहा हूँ, वो इस वाल से रिफ्लेक्ट होकर इस वाल में, फिर उस वाल में, उस वाल में, अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्ट होते रहे, इस तरह से यहाँ रिफ्लेक्शन हो, यहाँ रिफ्लेक्शन हो, यहाँ रिफ्लेक्शन, इस तरह से ये हर जगह यदि साउंड यदि क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, तो यह रिवर्बरेशन कहलाता है। इसीलिए क्या होता है, जैसे थिएटर वगैरह बनाते हैं, या हम बड़ा हॉल बनाते हैं, या हमने इस क्लास को जैसे बनाया हुआ है, इस कोचिंग क्लास को बनाया हुआ है, तो रिवर्बरेशन ना हो करके इसके फ्लोर को या रूफ़ को या वाल में क्या करते हैं अपन, कुछ वुडन या फिर इस तरह से ऐसे ऑब्जेक्ट से, ऐसे मटेरियल से उसको बनाते हैं कि साउंड को क्या कर ले, वो एब्जॉर्ब कर ले, मतलब रिवर्बरेशन ना हो, तो थिएटर इस तरह से बनाए जाते हैं। क्लियर, तो ये दो इवेंट्स हैं, इको एंड रिवर्बरेशन। और एक टर्मिनोलॉजी आपको और समझना चाहिए, वो है पिच। ये सब साउंड से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, आपको जानना है। पिच मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि मेन और वोमेन में आपने देखा होगा कि मेन का पिच कम होता है, मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी है कम होता है, और वोमेन जो होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण उन, मतलब आप देखे होंगे म्यूज़िक, जैसे उनका आवाज़ सुरीला लगता है, उसका कारण क्या है, इसको पिच कहा जाता है। उसका कारण क्या है कि मेन का जो फ्रीक्वेंसी है, मेन की फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट ना, ये फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, हर्ट्ज के आसपास होता है ये, और वोमेन का, वोमेन्स की फ्रीक्वेंसी जो है जस्ट डबल, नियर अबाउट 240 हर्ट्ज के आसपास होता है। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसके पिच को कैलकुलेट किया जाता है, मतलब पिच मतलब होता है कितना आवाज़ फाइन सुरीला पतला है, ऐसा आप समझ सकते हैं उसको। ये कुछ पिच का कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साउंड से वर्क करने वाले दो डिवाइस। एक आपको डिवाइस बताता हूँ आर्टिफिशियल,
और एक डिवाइस है अपने पास नेचुरल, जो नेचर ने दिया है, जिसका हम अभी यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट पर बात करूं मैं, सोनार। सोनार एक डिवाइस है जो एक्चुअल में थ्री अलग अलग वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक एस ओ एक साथ, इसका मतलब है साउंड, ये साउंड है। फिर एन, इसका मतलब है नेविगेशन। साउंड नेविगेशन, इसको हम कहेंगे एंड, ये तो कनेक्टिंग वर्ड है एंड। और आर से मतलब रेंजिंग। ये इसका कंप्लीट फुल फॉर्म है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज सोनार। तो सोनार इस तरह का एक डिवाइस होता है। ये एक्चुअल में होता कैसे है, देखिए, सपोज ये कोई सी सरफेस है, ये कोई सी सरफेस है, और यहाँ पर ये अंडर में सपोज उसका बेस है या कोई राक चट्टान वगैरह है, और यहाँ पर हम एक सीप इमेजिन कर लेते हैं, सीप सपोज इस तरह से। अब यहाँ से क्या होता है, सोनार के थ्रू ये साउंड रिफ्लेक्ट किया जाता है, यहाँ जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ये ट्रांसमिट हुआ, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस आता है, ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस आता है। इस तरह से क्या है, इस कैलकुलेशन से हम इसके डेप्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं कि सीप के नीचे कितनी गहराई पर कोई राख है, चट्टान है, या सबमरीन वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है सोनार डिवाइस का। तो साउंड नेविगेशन है ये, इस तरीके से। यहाँ पर सपोज हम ये सरफेस से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को अपन डी ले लें और स्पीड ऑफ द साउंड को भी ले लें, तो एक छोटा सा फार्मूला निकल जाता है, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये डी डिस्टेंस गया, डी डिस्टेंस वापस आया, दैट मीन्स 2d अपॉन टाइम इज सपोज टी, देयरफॉर 2d इक्वल टू वी इंटू टी, दैट इम्प्लाइज डी इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन 2। इस फार्मूला से डेप्थ पता चल जाता है या डिस्टेंस पता चल जाता है कि कितने डिस्टेंस में सिप के नीचे। यहाँ पर एक फिगर आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए ये सोनार, आप इस इमेज से, आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि सोनार डिवाइस किस तरह से वर्क करता है। ये सीप है, सीप के नीचे में देखिए लाइट का इंसिडेंट हो रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है, नीचे में राख है, इसमें डेप्थ। ये एक सोनार एक डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। एंड नाउ लास्ट टॉपिक इज ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर क्या होता है, जो आपके पास हमारे पास है सबको पता है, ये क्या काम है इसका, साउंड को रिसीव करना। हम जो सुन पा रहे हैं, माउथ हमारा सोर्स ऑफ साउंड है और ईयर हमारा क्या है, रिसीविंग डिवाइस है, ह्यूमन ईयर। इसको आपको ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फिगर कैसा होता है, आप अपने बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक फिगर में भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये आप यहाँ देखिए, ये ह्यूमन ईयर आप देख रहे हैं, वो वर्क कैसे करता है, पहले आप थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम साउंड सोर्स से साउंड रिलीज करते हैं तो वो साउंड जाता है और हमारे ईयर के जो ड्रम होता है, इनर पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, मिड पार्ट होता है, थ्री पार्ट में बटा हुआ होता है, तो जैसे ही इस स्ट्रक्चर के अंदर वो एंट्री करता है तो उसमें एक स्क्रीन कहें, यदि अपन कॉमन लैंग्वेज में कहें स्क्रीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम है। तो वो ईयर ड्रम जो बना होता है, वहाँ पर आप फिगर में देखिए, इस ईयर ड्रम में जाके ये साउंड के पार्टिकल्स, साउंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो जाके इसको यहाँ पर हीटिंग करते हैं, यहाँ पर हल्का हल्का इसको हीट करते हैं, और जैसे यहाँ पर हीट करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है, एनर्जी दैट मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड वहाँ रिप्रोड्यूस हो जाता है। और अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ड्रम से, इस ड्रम से पार्टिकल्स के जाके धीरे 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 जाके वहाँ पर कोलिजन करने से, टक्कर करने से एनर्जी साउंड के फॉर्म में, एनर्जी यहाँ पर किस फॉर्म में है, साउंड के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। ए प्रोसेसिंग के बाद, ईयर से पूरे प्रोसेसिंग के बाद हमारे नर्वस सिस्टम से होकर ब्रेन में जाता है और एक्चुअल में ब्रेन उसको एक्सपीरियंस कर पाता है। ईयर तो ओनली रिसीविंग डिवाइस है, ब्रेन इसीलिए हम सोते रहते हैं तो कोई साउंड होता है तो हमको थोड़ा बहुत साउंड सुनाई नहीं देता, तो भाई ईयर तो ओपन है,
ईयर में तो हमारे आई की तरह कोई कवर तो है नहीं, तो फिर हम सोते रहते हैं तब भी हमको साउंड सुनाई देना चाहिए। लेकिन आप देखे होंगे कि हम नींद में रहते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड होने से हम जाग जाते हैं, कि उसका वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि मेंटल हमारा जो रिलैक्स रहता है वो जाग जाता है। लेकिन सामान्य वे में कोई आदमी सोया थोड़ा बहुत साउंड को नहीं सुन रहा, तो ईयर तो ओपन है, आपको सुनना चाहिए। तो एक्चुअल में ईयर सुनता नहीं, ईयर क्या करता है साउंड को रिसीव करता है, उसके बाद फिर ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम से हम उसको सुन पाते हैं। तो ये फिगर से मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन ईयर इस तरह से होता है और आप उसको समझ सकते हैं। तो ये आपका साउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।